ओम नीलांजनम समाहासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातंड समूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का मार्गी होना। देखिए, शनि आपकी राशि के अनुसार तुला राशि वालों योग कारक ग्रह माने जाते हैं और 30 वर्ष बाद आपकी राशि में बड़ा अद्भुत प्रकार का योग बनाने वाले हैं। योग कारक हो गए तो शुभ हो गए, शुभ हो गए तो समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाने वाले हैं। और आपकी राशि में 30 वर्ष बाद ये योग बन के आया है। आपके पंचम भाव में वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो गए हैं और ये भाव आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का भाव, संतान का भाव, अनेक प्रकार से ये भाव महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन एक समस्या ये है कि शनि की जो दृष्टि होती है ना, वो कष्टकारी होती है। शनि तो बैठे बहुत शुभ हैं। एक कथा आती है शास्त्र के अंदर कि शनि महाराज जब गणेश जी उत्पन्न हुए, समस्त देवता उनके दर्शन के लिए पहुंचे। शनि भी पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। सब लोग दर्शन कर रहे थे लेकिन शनि अपनी नजरें नीचे झुकाकर वहां उपस्थित थे। सबने कहा, महाराज आप दर्शन करने आए, श्री गणेश का दर्शन करें। फिर ने कहा, मेरी दृष्टि अच्छी नहीं है, मेरी दृष्टि जिस पे पड़ती है उस पे कष्ट आ जाता है। खैर, सबने कहा तो शनि ने देखा और कालांतर में जो घटना घटी आप सबको पता है। गणेश जी पे जिस प्रकार से प्रातस्मरणीय गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी जिस प्रकार से उनका सिर हाथी का क्यों लगाना पड़ा, वो घटना उसी एक घटना से निकली। तो शनि की, यानी मेरे इस कथा को यहाँ रखने का कार्य एक था हमारा कि शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती भाई। शनि बहुत शुभ है आपकी राशि के अनुसार से। तो तुला राशि वालों, जो 30 साल बाद आपके लिए ग्रहों का योगायोग बना है, ये बुद्धि के अनुसार से सबसे अच्छा है। यदि आपने इसको ठीक करने का प्रयास कर लिया, उसका उपाय भी है, उसका उपाय भी हम देने वाले हैं आपको, शास्त्रोक्त विधि से देने वाले हैं उपाय। शास्त्रोक्त विधि से यदि आपने उपाय कर लिया तो आप समझिए शनि का आप दृष्टि समझने कहाँ पड़ रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, शनि की दृष्टि इस आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त जहाँ पड़ रही है। आप सब लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, उसमें वो समझ लीजिए क्या क्या करने वाले हैं। शनि की दृष्टि होती है तीन, एक दृष्टि है शनि की तीसरी, एक दृष्टि है सातवीं, एक दृष्टि है दसवीं, दसवें भाव पे दृष्टि। तीसरी दृष्टि दसवें भाव पे पड़ती है। आप सबसे पहले दृष्टि देखिए कहाँ पड़ रही है, एकादशवें भाव पे दृष्टि पड़ रही है। एकादशवां भाव शनि के लिए हमेशा अच्छा होता है। सूर्य की राशि है, अपने पिता की राशि है, लेकिन फिर भी लाभ के भाव का है, तो वहाँ पर एक तरह से सैद्धांतिक तौर पर देखें तो वहाँ तो अशुभ नहीं करते हैं शनि, लेकिन फिर भी सूर्य के साथ राशि है तो वहाँ ठीक तो है नहीं, तो उसका ध्यान तो फिर भी रखना पड़ेगा आपको सूर्य पिता पुत्र के साथ। उपाय क्या किया जाए आप नोट कर लीजिए, उपाय क्या करना चाहिए। शनि महाराज मई 2025 तक यहाँ रहने वाले हैं। आवारे न्यारे चाहते हो तो सबसे पहले पिता का सम्मान, सबसे पहले पिता से किसी का भी कोई आपकी क्लैश ना हो। जितना पिता का सम्मान करेंगे उतना लाभ होगा, नहीं तो ये बुद्धि गलत चली और आपका लाभ गया, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए आपको। अब पहली दृष्टि कहाँ पड़ रही है शनि की, ये पहली और दसवीं दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि है पहले भाव पे और दशम भाव में पड़ रही है। अब आपकी राशि के अनुसार समझ लीजिए, पहली जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है सप्तम भाव पे, वहाँ पड़ी है मकर मेष राशि। और उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ रही है कहाँ पर, द्वितीय भाव पर, वहाँ किसकी राशि है, मंगल की राशि। शनि मंगल का टकराव आप अच्छे से समझते हो, कभी तकता कभी तक, सबसे अशुभ जो टकराव है शनि मंगल का ही टकराव माना जाता है। और ऐसे में अभी 17 नवंबर को शनि मंगल परिवर्तित होकर आने वाले हैं, कहाँ पर चल रहे हैं अभी तुला में, मंगल परिवर्तित होकर चले जाएंगे विशेष तौर पर वृश्चिक राशि पे, और वो चौथ अपनी पहली दृष्टि से देखेंगे शनि को, शनि मंगल का टकराव होगा। ऐसे में पूरे विश्व में अशांति जिस चल रही है कुछ, और शनि मंगल ऐसे में अस्त भी चल रहे हैं सूर्य के साथ, तो ये ध्यान रखना है आपको। विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पारिवारिक स्थिति में भी जो शादीशुदा लोग हैं, परिवार पत्नी साथ साथ परिवार में अशांति का वातावरण बन सकता है, उठापटक का वातावरण बन सकता है, मनमुटाव हो सकता है। और यदि आपका जीवन साथी आपसे रुष्ट हुआ, आपके मनमुटाव हुए, तो आपका भाग्य एक महीने के लिए सो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले इन सब चीज़ों को ध्यान रखने का प्रयास करें। लोग भारी रूप से देखने का प्रयास करते हैं लेकिन ठीक वास्तविक तौर पर समझ नहीं पाते हैं आप शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ी। हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये शनि की दृष्टि जो है, शनि का स्थान बहुत शुभ है, शनि आपकी राशि के अनुसार से योग कारक है, लेकिन शनि की दृष्टि का क्या करोगे भाई, तो उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। अब एक कथा आती है शास्त्र के अंदर कि जब कहा जाता है कि महाराज दशरथ, उपाय बता रहे हैं हम आपको क्या करना चाहिए, उपाय
ये तो हमने आपको सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास किया कि शनि ने क्या क्या करना है आपके लिए, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि शनि को ठीक कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो कोई डायग्नोज करने का फायदा ही नहीं है कि जिसका रेमेडी आपके पास ना हो। और हमारे शास्त्र कहीं भी हमारे आपको अधूरा नहीं छोड़ते। ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, आपको समझ की आवश्यकता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं अध्ययन होना चाहिए। तो सब प्रकार से शास्त्र में कथा आती है कि एक बार महाराज दशरथ देवासु संग्राम के लिए आकाश मार्ग से जा रहे थे और रास्ते में केकई साथ में थी उनके, रथ में जाते हुए शनि के दर्शन उन्हें रास्ते में हुए। उन्होंने कहा शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि तो बड़ी कष्ट देने वाली है, अब इनसे बचकर कैसे निकला जाए, बच के जाए और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो सब कुछ अहित हो जाएगा। तब कहा जाता है कि महाराज दशरथ ने उसका दिव्य उपाय निकाला, एक स्तोत्र है उसका पाठ किया जिसको कहा जाता है शनि स्तोत्र, वो हम सुनाएंगे आपको। और स्तोत्र का पाठ करके जब शनि की स्तवना शनि की खासतौर पर उनकी उन्होंने वंदना करी तो शनि इतने प्रसन्न हुए। और एक ही स्तोत्र है पूरे शास्त्र के अंदर जो महाराज शनि के लिए किया जाता है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। कहा जाता है कि शनि महाराज इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया महाराज दशरथ को कि जो भी इस स्तोत्र से मेरा पाठ करेगा आपके स्तोत्र से, उन पर मेरी दृष्टि की कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो ये बहुत लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, 12-13 लाइनों का प्रयोग है, आप नित्य प्रति कर सकते हैं। और समझ लीजिए जिस आप यदि इसका एक पाठ, इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं, यदि याद हो तो कर लीजिए, लेकिन याद नहीं है तो सुन भी लेंगे तब भी इसका प्रभाव होगा। मैं शास्त्रोक्त विधि की बात करता हूँ। शास्त्र में कहा जाता है कथा श्रवण, कथा करने से ज़्यादा कथा श्रवण का महत्व कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि आपको या सुन ले या पाठ कर ले तो बहुत सुंदर है, नहीं तो कम से कम श्रवण तो कर सकते हैं। तो नित्य प्रति इसका एक बार पाठ कर लीजिए और ये 18 जो आपका करीब करीब 1.5 साल का समय शनि का महाराज का है, इसका पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर डेफिनेटली होगा, ये हमारा दावा है, ये हमारा विशिष्ट विश्वास है। हमने आने बहुत लंबे समय से इसका प्रयोग करके देखा है, शनि का कब ढैया आई, कब अशुभ प्रभाव आया, सबका सब क्षय हुआ। स्तोत्र इस प्रकार से है, आप सुन लीजिए। ओम नमः कृष्णाय नीलाय क्षितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रु जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडर आक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमः घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्तृंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये ऐसा दिव्य स्तोत्र है कि यदि इसका एक बार पाठ कर लिया जाए, सुन लिया जाए या यज्ञ कर लिया जाए तो कैसा ही शनि का दोष हो, कुंडली में हो, गोचर का हो, वो सब क्षय हो जाता है। आप शनि के दिव्य यंत्र को स्थापित कर कर अपने नाम से गोत्र स्थापित कराकर इस 1.5 साल तक रखिएगा और इन्हीं पर्पस से जिस कारण से आपके शनि की दृष्टि से दोष लग रहा है, नहीं तो ये शनि का जो प्रभाव आपको बाह्य रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं और कहीं अशुभ ना हो जाए और पूर्ण लाभ ना दे पाए। 30 साल बाद ये समय आया है, कोशिश ये करें अच्छे से एनालाइज करके बता दीजिए और साथ साथ देखवाने का प्रयास कीजिए आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग बन रहे हैं और कौन सा दशा चल रही है, उन सब के बाद बहुत अच्छे से विवेचना कर इन सब रहस्यों को समझा जा सकता है, लाभ के योग बना सकते हैं। आशा करते हैं आप इन सब सिद्धांतों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे, कल्याण के योग बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।